वेलकम गाइस, मैं हूं तस्खीर। वीडियो में मैं रिएक्ट कर रहा हूं कान्हा यारी के द मैजिकल जर्नी पर, क्योंकि मुझे इसके बारे में और कुछ जानने को मिलेगा और कुछ सुनने को मिलेगा। मैंने कल जो है कान्हा यारी पर रिएक्ट किया था ऑफिशियल वीडियो पर, एंड दैट वाज अमेजिंग। मुझे बहुत पसंद आया था, मेरे दिल के अंदर तक घुसा था। हालांकि मुझे बहुत कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मैंने उर्दू कैच करने की कोशिश की थी और मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आए कि आप कैप्शंस इसमें आज जाकर देख सकते थे, इसका ट्रांसलेशन आप जाकर देख सकते थे ऑन कर। तो मैंने देखा बाद में, एंड अमेजिंग उसके मतलब हैं, एंड खूबसूरत चीज़ बनाई है। और एक कल्चर जो आप देखते हैं, जो बलूचिस्तान का कल्चर है, उसको पेश किया गया है। अमेजिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिएशन थी। एंड इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं और कुछ जानते हैं इसके बारे में। लेट्स स्टार्ट इट नाउ। कुक स्टूडियो सीजन 14। स्टूडियो सीजन 14। सारे आर्टिस्ट कैफी इवाबी अब्दुल हाफ। आप पूछें पर बताऊंगा। एवा ज्यादा कंफर्टेबल है कैमरे के आगे बनिस्बत की है, लेकिन ये मुझे लगता है ये बहुत कंफर्टेबल है। अभी पता नहीं इसको क्या चल रहा है। इसकी वीडियोस देखी है आपने? हां, वो एक्शन करता है भाई। कौन सा वो गाना है? वो कौन सा गाना है? मर्ची गनू कंक्री ऐसे कर रही है। मर्ची गनू कंक्री ना यारी गद्दारी, यानी इश्क के नाम है गार एदा। यारी करते हैं फिर गद्दारी करते हैं, धोखा देते हैं। इश्क का तो नाम और निशान ही नहीं है ना कहीं। मैं सामने वाले को कह रहा हूँ कि इस तरह इश्क नहीं होता जिस तरह आप कर रहे हो। आप कर रहे हो इश्क उन्होंने किया है ना, मतलब जो आप नहीं। यारी दोस्ती में गद्दारी नहीं होती है जी, यही मतलब है। और फिर मैं आके जवाब दे रही हूँ कि ऐसा नहीं ऐसा है। अच्छा, उसने लड़की ने उसका जवाब दिया था। ये आर्टिस्ट भी बहुत कमाल है यार, मैंने पहली बार देखा। When Zulfi bhai called me up, he's like ke yaar samajh ke balochi gana hai lekin pop gana hai, gaadiyon mein bajna chahiye, no you're sitting somewhere, ek gana wahan hona chahiye, mujhe nachna hai is gane pe, and yes this is like that ki main hum bhi apni gaadiyon mein got it sunen. Noted सर, ये क्या बजा रहे हैं और उसको क्या? ये दम्बूरा है सर, इसको दम्बूरा दम्बूरा बोलते हैं। ये बलूचिस्तान का है, कल्चरल इंस्ट्रूमेंट। कल्चरल इंस्ट्रूमेंट यही बोला था मैंने। कैफी भाई ने लिखा है यारी गदारी, और हमारा बलोची है सुलेमानी बलोची है, जो सिबी में डेरा बुट्टी में की हो गई गवादरी बुकरानी। अच्छा, मुझे एक्सप्लेन कर रहे थे कि आप लोग की बलोची अलग अलग है, मुझे नहीं पता था ये बात। बहुत अलग है बलोची में, असल में बहुत ऐसे हैं कि अलग अलग हैं। अच्छा, बलूचिस्तान का बलूची प्योर बलूची है, उसको हमारे भी जो बिहारी के कुछ रहने वाले हैं वो सही से नहीं समझते। बीट्स तैयार की जा रही है। शी इज जस्ट सो एनर्जेटिक इन अ वे दैट आई हैवंट सीन एनर्जी दिखती है, एंड आल्सो जस्ट द वे दैट शी एम्बॉडीज हर आइडेंटिटी नॉट ओनली एज अ वुमन बट लाइक विद व्हाट शी चूजेस टू वेयर एंड हाउ दैट कंट्रास्ट्स विद द एनर्जी ऑफ हर म्यूजिक, आई थिंक इज जस्ट सो इनक्रेडिबल। तैयार, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। बैठो बैठो। ये कमाल था। उसके साथ जो बीट आ रही है ना, बहुत मतलब बताए सबको, बताओ ना। दोस्त जो है वो एटीट्यूड में ना रहे तो उस दोस्ती का क्या फायदा, ठीक है? ये जवाब मिल रहा है। भाई देखिए, मन का ना गिलक चुशी रोचा। बहुत गहरी बात है।
इन दिनों में मुझे गिले करने चाहिए, तुम जो गिले कर रहे हो। फायदा ही नहीं दीवा इधर धीरे बत्ती रुका, लेकिन अब कुछ बोलने का फायदा ही नहीं है। अच्छा लड़ाई हो चुकी है, क्योंकि अब तो फायदा नहीं, हमारी दोस्ती तो खत्म हो रही है ना। तुम मुझे ताने दे रहे हो, मैं तुम्हें ताने दे रही हूँ। मतलब खुद को ही मैंने मुतमईन किया और खुद का ही दिल तोड़ा। ये सब तुमने खुद लिखा या अम्मी से हट लिया? अम्मी से पूछे आप कैसी रहे? जो ये रैप करती है उसका जो मेरा जवाब ये है कि आप खलीज में रहने वाले हो, मैं लियारी का रहने वाला हूँ। हाँ लियारी वर्ड आया था ना। अच्छी नींद सो जाते हो, मैं नफसियाती हो जाता हूँ, लाइट ही नहीं है। आप खलीज हो, आप आबाद हो, लियारी में तो लाइट भी नहीं है, बहुत सारे लाइट भी नहीं है। अच्छा मसले हैं वहाँ पर बहुत सारे। करने सौ बार और ये प्यार नहीं, पहले वाला प्यार अब नहीं है। पहले वाला प्यार अब नहीं है। सौ सौ की एक बात बता दी भाई जान। का पार्ट जो है ना यार, रोंगटे खड़े कर दिए मेरे। कैफी ने भी यार एक नंबर काम किया यार, बहुत जबरदस्त मुझे लगा के बता। आवाज मतलब सबका ही बढ़िया है यार, किसको मैं ना करूँ, किसको कंपेयर करूँ। Recorded. It's really, I'm amazed at the work that's happening here and the performers, Kefi and Eva, I'm just huge fans of theirs. Khush hain aap? Matlab ye dekhe na, from Riyari, Eva, Sibbi se hamare Bukti bhai aaye hain. An original Balochi song, in a sound that is for the loss of words global. I wish ke the whole world, sari duniya Balochi sune aur gaye. इस कमरे में किसी को बलोची नहीं आती, लेकिन आई एम श्योर इस गाने के वर्ड्स आते हैं। वर्ड्स हम अच्छा तो ये गाना भी और चलेगा इंडिया में, मैं सुन रहा हूँ, बहुत लोग सुन रहे हैं। डांस ये सेट तैयार किया जा रहा है जहाँ पे शूट हो रहा है। ये जो लोकेशन थी ना, इनका शूट जो था कलर पीछे के, वो बहुत अच्छे लगे थे। मैंने बोला भी था साउंड चेक चल रहा है हमारा। माइक आगे हो सकता थोड़ा? वो मेरी फेवरेट है, मुझे बताया पता नहीं कितने स्टेप्स हो गए हैं। सोनिकली सिर्फ नहीं, हम विजुअली विजुअल को भी इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, बिकॉज दैट्स हाउ यू नरेट स्टोरीज। सो नाउ वी आर नॉट जस्ट कैप्चरिंग द म्यूजिक, बहुत अच्छा था कैप्चरिंग देयर नैरेटिव, देयर स्टोरी, द सॉन्ग्स नैरेटिव, द सॉर्ट ऑफ अपबीट जॉयस वाइब वाज ऑलरेडी काइंड ऑफ स्पीकिंग टू मी, एंड आई वांटेड अ वीडियो दैट वाज एज डायनामिक एज द सॉन्ग। There are very few things that excite me, and this was something that really excited me with the set design. मुझे अच्छा लगा इसका सेट का डिज़ाइन, जो अंदर से घूम कर आते हैं ना गलियों में से, वो जो पिंकिश और येलोइश वाला जो सीन था ना इसका। I think the biggest challenge for this thing was it's a mechanical set. It's a set that needs to move. The walls need to move. To come up with a set that was modular, that looked like small spaces connected together, but everybody's in a different space. Or I says the walls remove hoti jati hain, and then everybody's actually in the same space vibing together. This is insane, bro. And then when you see the entirety of it, when it's all open, it has to feel like one.
because it's a Balochi song, so I thought the set would be very traditional or us tarike ka, but this is very cool. This is like very contemporary or very colorful. The camera team with the art team needs to be in sync, the light team needs to be in sync, so everything was very meticulously pre-planned. पीछे चार लोग खड़े हैं, उन्हें दीवार पूरी खींचनी है टाइम पे और हम बोल भी नहीं सकते क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है सब कुछ, सो एवरीथिंग इज आई होप वो कर देगा टाइम पे. आई एम इंट्रोड्यूसिंग यू टू द मेकअप टीम. मेकअप टीम, यह बीरू तुम तैयार हो गए सबसे पहले? काइंड ऑफ कपड़ों का वेट कर रहे हैं. यह तैयार होते हुए आर्टिस्ट. A lot of chaos, a lot of stress, a lot of madness, but we'll get this going sooner or later. Sooner. Okay. Who's ready? Can you tell me? I will show you. We are good to go. We're good. मुझे अच्छा क्या लुक दिया यार, नका फटा भी उनसे राफ होता ही नहीं है, सच बात बताऊं तो मुझे बस अब एक आदत सी हो गई है. So the look we went for today is really, really cool. We spoke to Jamal, who's the director. He had this amazing idea, lovely colors. And so the brief was to use like kind of burnt oranges, teals and stuff like that. And I wish Jamal all the best. Jamal is right behind you, by the way. You can converse. Thanks, bro. Yeah. I heard all of that. Kefi ke baal jo hai, humne niche se undercut kiya hai. He wanted to bring out his own curls. I think he looks really cool. He does. Especially Eva, I think she just came in and she said, "Mujhe pata hai, koi masla hi nahi hai. Maine ye karna hai, ho jayega." Arey wow. Yeah, looking very cool. Pakki baat hai. Yeah. Coke Studio ke liye jab mujhe Zulfi bhai ne call ki, to unhone bola ki aap mere saath kaam karna chahti hain. Maine kaha project kya hai? To unhone bola Coke Studio ka. मैंने कहा यार भाई कौन नहीं करना चाहेगा. मतलब बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है ये. बिल्कुल. तो इंशाल्लाह सब अच्छा होगा, यही उम्मीद है. कुछ नहीं होगा. दिस इज योर माइक. ठीक है, नाउ इट्स योर रिस्पांसिबिलिटी. माइक मिल गया. मिल गया या मिल गया? मिल गया. मिल गया. ओके, माइक मिल गया. मिल गया माइक. हां, मेल होता है. आई एम हेल्पिंग विद द सेट, गेटिंग पेड सम एक्स्ट्रा मनी फॉर दिस मैन. व्हाई लीव द वर्क ड्यूड, यू नो इट्स कोरोना. कैफी वाज आल्सो वेरी वेरी एंथुसियास्टिक, इसकी एनर्जी बड़ी अच्छी है, तो उसने कहा हाँ आप बताएं हम कर दें. कल मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है, मेरा गाना रिकॉर्ड होने वाला है कोक में. बहुत अच्छा भी लग रहा है. कोक स्टूडियो में पहली बार एक आर्टिस्ट को जब मौका मिलता है तो बहुत बड़ी चीज होती है. हाँ, ऐसे स्टार्ट हुआ था. हर सिंगर का एक ख्वाब होता है कि मैं बड़े स्टूडियो में जाऊं. तो सिंगर का ऐसे और क्या खुशी हो सकती है. बिल्कुल यार, सैल्यूट टू कोक स्टूडियो, उन्होंने इनको मौका दिया. इट्स सच एन अपबीट एंड फन ट्रैक, बड़ा इन्फेक्शियस किस्म का, एकदम से आप सुनते हो और वो आपको याद हो जाता है. तो अगर आपको लैंग्वेज की समझ ना भी है, आपको गाने की फील जरूर है. पहले भी कोक स्टूडियो देखा था, अब यहाँ आके देख रहा हूँ, ये बिल्कुल अलग है, मुख्तलिफ एक्सपीरियंस. लेकिन करेंगे ज़रूर. तो मतलब अच्छे से समझ में आ गया है, मतलब थोड़ा थोड़ा मैंने समझने की कोशिश की थी उर्दू वर्ड्स को पकड़ने के लिए, जैसे मुतमईन, दिल को मुतमईन करना, यारी और गद्दारी से मैंने काफ़ी हद तक सही अंदाज़ा लगाया भी था कि यारी और यारी में गद्दारी या फिर यारी दोस्ती फिर गद्दारी, कुछ इस तरीके का मैंने बोला था. तो इसमें क्लियर हुए मेरे थाट्स और वो जो माइंड में उलझन थी वो सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं. इनकी ज़ुबानी सुनकर और ज़्यादा क्लियर हुआ है कि यारी दोस्ती में ऐसी गद्दारियाँ मतलब नहीं होती हैं, ऐसी दोस्ती कौन करता है, ऐसी दोस्ती मतलब नहीं होती है. तो कुछ इस तरह से होता है. फिर ईवा जवाब देती हैं कि जब सब कुछ टूट रहा है तो ये सब मतलब मुझे ज्ञान देने का क्या फ़ायदा, कुछ इस तरह से वो जवाब देती हैं. फिर वो ये कि मैंने अपने दिल को मुतमईन किया और अपना ही दिल तोड़ लिया, मतलब इस तरीके से जो लिरिक्स थे वो क्लियर हुए हैं. अब कोक स्टूडियो को सैल्यूट है कि वो ऐसे आर्टिस्ट को पब्लिक तक पहुँचाते हैं, आम आदमी को, क्योंकि जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे 10 मिलियन से ज़्यादा लोग कोक स्टूडियो से जुड़े हुए हैं. ओके, और व्यूज़ जो आते हैं वो बेतादाद आ जाते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँच जाता है. तो उन लोगों तक पहुँचाने का एक प्लेटफॉर्म जो है
इन लोगों को दिया, लियारी से आए हुए लोग हैं, बलूचिस्तान के कल्चर को लाकर यहाँ पर पेश करने की कोशिश की। जैसे कि ये भुक्ति आप ब्रदर्स जो थे वो बोल रहे थे कि हर किसी का ख्वाब होता है हर आर्टिस्ट का कि एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिले उन्हें परफॉर्म करने के लिए। तो सबको मौका मिला, सब ने 100% दिया, बेस्ट दिया आई थिंक, एंड हमें भी जानने का सुनने का मौका मिला। सच बोल रहे थे ये कि गाड़ी में बजाने का मन करता है इस गाने को, एंड हम बजाएंगे। हमने और भी पाकिस्तान के मतलब ऐसे ऐसे कल्चरल सॉन्ग्स जो हैं हमें समझ में नहीं आते लेकिन हम उसको इन्जॉय करते थे। अली ज़फ़र का गाना था वो, मैं डिटेल में यहाँ नहीं बता रहा, लेकिन बात इस गाने की हो रही है तो ये भी हम गाड़ी में सुनने वाले हैं, एंड मज़ा आ रहा है इसको सुनने में। अब तो थोड़े से लिरिक्स भी क्लियर है माइंड में कि इसका मतलब क्या है, तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। बस इस वीडियो में इतना ही, पसंद आया तो लाइक करके शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल बनाए तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ़।